क्या मार्वल ने नेमोर को डीसी के एक्वामैन से कॉपी किया है? जब से वकांडा फॉरएवर रिलीज हुई है तब से हर किसी के अंदर ये सवाल है। तो मैं बता दूं कि नेमोर एक्वामैन से पहले ही कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हो चुका है साल 1939 में, जबकि एक्वामैन साल 1941 में इंट्रोड्यूस हुआ था। वहीं नेमोर मार्वल के सबसे शुरुआती सुपर हीरो में से एक है। तो इस हिसाब से ये सिर्फ एक्वामैन से नहीं बल्कि मार्वल के भी कई सारे कैरेक्टरों में से भी सबसे ओल्ड है। वहीं पावर और एबिलिटी में ये दोनों सेम तो है, मगर नेमोर के पैरों के छोटे छोटे विंग्स उसे फ्लाई करने में मदद करते हैं, जबकि एक्वामैन के पास ऐसा कुछ भी नहीं है।